हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फिजिकल हो गया है या तो फिर जिनका फिजिकल बचा हुआ है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बुरी खबर कि इस भर्ती को जो है रोक लगा दी गई है बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला, आगे हम लोग देखेंगे जाएँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक ये सुना है कि कुछ सेंटर्स में जो है अभी नोटिस चिपका दिया गया है, लेकिन कि अभी तक ऑफिशियल नोटिस जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है, कोई भी सूचना अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा इस भर्ती पर रोक लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षण संवर्ग के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्ती पर लगाई रोक, ये एनपीजी न्यूज़ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, बिलासपुर हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरक्षक संवर्ग के 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग अलग पदों पर भर्ती होने वाली थी। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच द्वारा याचिकाकर्ता वेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई है। याचिकाकर्ता वेदराम टंडन द्वारा पेश की गई याचिका के अनुसार यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन किया था। राजनांदगांव जिले में इस कैटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद जीडी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छोड़ देने संबंधी पत्र लिखा था। इस पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया, जिससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को, यानी कि पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनको छूट देना साफ तौर पर आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। पूरे मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता है, इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर रोक लगा दी गई है जो कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई थी। फिलहाल अभी तो यहाँ पर रोक लगा दिया गया है, उसमें कुछ संशोधन करके फिर से मे भी ये लिया जा सकता है या नहीं लिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ की माने, और मैंने कॉल करके भी पता करने की कोशिश की, तो ये बात सही है कि हाई कोर्ट के तरफ से ऐसा आदेश ज़रूर आया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, यहाँ पे फिर से बहुत बड़ी, एक तरीके से सभी को उम्मीद थी कि 6000 लोगों को जो है यहाँ पे वैकेंसी मिलने वाली थी, पद में नियुक्ति होने वाली थी, और जिनका फिजिकल प्रोसेस काफ़ी अच्छे से चल रहा है। पहले जो चलता है आजकल छत्तीसगढ़ में, कुछ कहा नहीं जा सकता, एक तरीके से धोखा ही बोलेंगे इसको, और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे हमेशा ही की बात करें, इसकी बात करें, कुछ न कुछ तरीके से हाईकोर्ट पहुंच ही रही हैं, कुछ न कुछ रीज़न के कारण से हाईकोर्ट पहुँच रही हैं, और परेशानी जो है सभी अभ्यर्थियों को हो रही है जो तैयारी कर रहे हैं। अच्छी खासी, चलो कम समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजिकल के लिए बैकअप कर लिए हैं, फिर से ग्राउंड वगैरह जा करके, उनके साथ फिर से एक निराशा वाली खबर आई है। तो आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों, बाकी कल पता चलेगी कि क्या होती है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इस प्रकार की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।